नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साल की शुरुआत में ही 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इन्होंने निकल लिया है ग्रह गोचर, यानी कि राशि परिवर्तन करके सूर्य आ चुके हैं मकर राशि पे, अपनी परम शत्रु की राशि में, दुश्मन के घर में आ चुके हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम रहने वाले, देखिए सूर्य किन किन चीजों पर इम्पैक्ट डालता है वो चीज मैं आपको बता दूं। देखिए सूर्य अगर हेल्थ को देखे जाए तो हेल्थ में बालों को लेकर, हृदय को लेकर, आंखों को लेकर इस चीज को रूल करता है। यह आपके नेम को, आपके फेम को, मान सम्मान को, आपकी प्रसिद्धि को, पिताजी को, आपके काम करने के तरीके को, आपके बिजनेस को, आपकी एजुकेशन को लेकर, और आपके धन को, और आपकी विदेश यात्रा, इन चीजों को रूलिंग करता है। तो आप जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। इस समय आप देखेंगे कि आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको प्लानिंग के साथ करने लगे हैं। आप काम को जो भी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं वही आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आगे के टाइम में कुछ ऐसी दिक्कतें आने वाली है जो अगर आप प्लानिंग बना के नहीं चलेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें आपकी बिगड़ सकती है। इस समय आप वाहवाही बटोरेंगे, हर जगह से वाहवाही बटोरेंगे, क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएंगे, क्रिएटिव चीजें करेंगे, आपके बिजनेस में आप एक स्ट्रेटजी लेकर आएंगे, एक अलग तरीके से काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे, जिसकी वजह से आप वाहवाही बटोरेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। थोड़ा सा आपका देखा जा रहा है लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है, मैरिड लाइफ में दिक्कत देखने को मिल रही है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इस समय दोनों के बीच में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, अलगाव की स्थिति हो सकती है, दोनों दूर जाने का मन करें, इसलिए इस समय एक ही मंत्र है कि आपके मुंह से निकलने वाली बोली इस समय बजती है गोली, इसलिए एक ताला खरीदिए और मुंह पे लगा के बैठ जाइए। इस समय आपको अधिक नहीं बोलना है, चुपचाप से बैठना है, क्योंकि बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा तालमेल बना के रखें, चुपचाप शादी बिल्कुल शांति बना के रखें, चुपचाप या तो रूम से बाहर निकल जाए या तो आप बिल्कुल भैया मेरे को कुछ नहीं बोलना, जो हाँ हाँ बोल रहे हो हाँ हाँ बोलते रहो, और एक ही मंत्र याद कर लीजिए सॉरी और ताला लगा के चुपचाप बैठे रहिए। तो लव लाइफ की ऐसी स्थिति रहेगी, विदेश जाने का योग बनेगा। इस समय विदेश चाहे एजुकेशन के लिए जाए या बिजनेस के लिए जाए या व्यापार के लिए जाए या नौकरी के लिए जाए, क्लाइंट से मिलने जाए, पर विदेश जाने का योग बन रहा है, विदेश से अच्छा खासा धन आता हुआ भी दिख रहा है। इस समय अगर कोई नया मकान खरीदने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय अच्छी चीजें आपकी लाइफ में, ये पूरा ही समय आपका मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अनुकूल रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में ओवर थिंकिंग करेंगे, भैया अपनी जॉब में बदलाव कर लूं, चेंजेस कर लूं, इसकी वजह से जहां पर अभी आप काम कर रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपको बुरा लगने लगेगा, भाई इधर नहीं करना, मैं अभी चेंज करना है, तो आप वहां पर टाइम नहीं देंगे, वहां फोकस नहीं कर पाएंगे, ये चीजें थोड़ी सी गलत होगी, इसलिए थोड़ा सा आप फोकस दीजिए, थोड़ा सा इसमें ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, भैया मेरे को तो बदलाव करना, मैं इधर ध्यान नहीं लगा रहा, तो वहां का एनवायरनमेंट आप थोड़ा सा खराब कर देंगे, तो वो चीजों का विशेष ध्यान रखना। इस समय एल्डर ब्रदर हो या आपके जो बड़े लोग हो, गुरुजन हो, उन लोगों से सलाह लेकर ही कोई फैसला लीजिए। इस समय अचानक बाहर जाने का योग भी बनेगा, तो उस समय आपको अपने जो भी कलीग वगैरह है उन पे ये सारी चीजें को जिम्मेदारी छोड़ने की, भाई मैं किस तरीके से जाऊं, किस चीजों को करूं मैं, क्योंकि इस समय बाहर की ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा दिख रही है, विदेश योग तो ज्यादा प्रबल दिख रहा है, और छोटी मोटी यात्रा अवश्य रूप से होगी। और वहीं पर आपके परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनका फीवर वगैरह आ सकता है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, उनको पैरों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें मिथुन राशि वालों की होने वाली है, क्योंकि गृह गोचर सूर्य ने अपनी सबसे शत्रु राशि पे, अपने दुश्मन के घर पे आ चुके हैं, इसलिए ये चीजें आपको देखने को प्राप्त होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य रूप से जाइएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। हर हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी, और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।